आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा बहरोत्रा। चुनावी चर्चा में आपका स्वागत है। आज पांचवें चरण का मतदान संपन्न हो गया और पांचवें चरण में 12 जिलों की 61 सीटों पर मतदान हुआ। कई चेहरों की आज किस्मत कैद हो चुकी है ईवीएम में। 5 बजे तक के आंकड़े सामने आ चुके हैं। 53.93% मतदान हुआ है 5 बजे तक। पांचवें चरण में अयोध्या, बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा जैसे तमाम जिले रहे। अगर बात करी जाए परसेंटेज की तो रायबरेली में 56.06% मतदान हुए हैं। अमेठी में 52.77% मतदान 5 बजे तक संपन्न हुआ। प्रतापगढ़ में 50.25%, कौशाम्बी 57.01% मतदान संपन्न हुआ। प्रयागराज 55.89% मतदान संपन्न हुआ है। बहराइच 55.0%, श्रावस्ती 57.23%, रायबरेली 56.06%, अमेठी 52.77%, सुल्तानपुर 54.88% मतदान संपन्न हुआ 5 बजे तक। कौशाम्बी 57.01%, प्रयागराज 50.89%, श्रावस्ती 57.23% मतदान 5 बजे तक संपन्न हुआ। गोंडा 54.31% संपन्न हुए मतदान 5 बजे तक। सुल्तानपुर 54.88, चित्रकूट 59.64% मतदान संपन्न हुआ। सबसे ज्यादा मतदान चित्रकूट में हुआ है। 53.93% मतदान कुल संपन्न हुआ 5 बजे तक। तो ये आंकड़े सामने आ चुके हैं। 5 बजे तक के मतदान संपन्न हो चुका है और आज हम चर्चा करेंगे कि आज किन मुद्दों को लेकर पांचवें चरण पे मतदान किया है, मतदाताओं के मुख्य मुद्दे क्या रहे और जिन तकलीफों का सामना उन्होंने किया, जो ये पृष्ठभूमि है। 3 जगह मतदान हुआ है आज। अगर बात करी जाए अवध, बुंदेलखंड की, तो इन जगह पे मतदान हुआ है और इन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा मतदाता कौन से निवास करते हैं, उनकी मानसिकता क्या है, क्या सोच के वो मतदान करते हैं, इन तमाम चीजों पे आज हम चर्चा करेंगे। रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, चित्रकूट, प्रयागराज, अयोध्या, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, बाराबंकी, इन तमाम जगह पे आज मतदान हुआ है। कुल 12 जिलों की 61 सीटों पर मतदान हुआ। बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा इसमें शामिल है। तो इन जगह पे जो मतदाता है, आखिर उनकी मुख्य समस्याएं क्या है, उन्होंने किन मानसिकता के साथ मतदान किया है, उनको क्या जनप्रतिनिधि से मतलब है या फिर पार्टी से मतलब है, पार्टी को देख के उन्होंने मतदान किया है, जनप्रतिनिधि को देख के मतदान किया है, मौजूदा सरकार में जो काम किए गए हैं उनको देखा है या फिर विपक्ष द्वारा उठाए गए मुद्दों को देखा और विपक्ष की बात में आकर उन्होंने सरकार को सही या गलत के तराजू में तौला। तो इन सब चीजों पे आज हम चर्चा करेंगे क्योंकि पांचवें चरण का मतदान भी संपन्न हो चुका है और इनमें रायबरेली की एक विधानसभा सीट पे आज चुनाव हुआ। प्रयागराज, प्रतापगढ़, चित्रकूट, अयोध्या, ये वो जगह है जहां धर्म और आस्था का संगम देखने को मिलता है। धर्म से जुड़ी जो आस्था है लोगों में वो भी काफी ज्यादा देखने को मिलती है और इसी पे चर्चा के लिए हमारे साथ 3 मेहमान मौजूद हैं। भूपेंद्र तिवारी जी जुड़ चुके, राजनीतिक विश्लेषक, अरविंद मोहन जी राजनीतिक विश्लेषक और मनीष सिंह जी भी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले भूपेंद्र जी, आपसे सवाल करना चाहूंगी, जिस तरह से आज चुनाव हुआ है पांचवें चरण का और पांचवें चरण में जो सीटें हैं, 12 जिले रहे हैं, उनकी जो वोटर्स हैं उसमें सबसे ज्यादा जो वोटर रहे हैं उसमें हिंदू भी हैं, कुछ मुस्लिम्स भी हैं, पिछड़े वर्ग के भी हैं, तो तमाम जो वोटर है उनकी आखिर मानसिकता क्या रही? देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद एक तो जोड़ने के लिए। और ये जो चुनाव है पांचवें चरण का, इसमें अयोध्या से लेकर के प्रयागराज और चित्रकूट, ये एक सीक्वेंस है और इस सीक्वेंस में आप देखिएगा तो भगवान राम से जुड़ा हुआ ये तीनों स्थान है, एक भगवान राम के आस्था का केंद्र रहा है। तो स्वाभाविक सी बात है पांचवें चरण में भगवान राम को लेकर के एक जो लहर की उम्मीद थी बीजेपी को, उसको भुनाने की कोशिश तो इसमें की जाएगी जी। दूसरी चीज ये है कि जब आपने पहला चरण देखा, पहला, दूसरा और तीसरा चरण, तो वहां पर एक ध्रुवीकरण की बात हो रही थी, हिंदू मुस्लिम की बात हो रही थी और जैसे जैसे ये आगे बढ़ा तीसरे चरण तक, आप देखिए ओवैसी जी बहुत ज्यादा बोल रहे थे, ओवैसी जी का रोज बयान आ रहा था और आज ओवैसी जी कहीं न कहीं है।
यानी मैंने वो तीसरे चरण का जब चुनाव हो रहा था, उस दिन मैं जब आपके साथ डिबेट में था, तो मैंने ये कहा था जैसे जैसे ये पूर्वांचल की तरफ बढ़ेगा, ये धीरे धीरे ध्रुवीकरण से लेकर के किसान आंदोलन के मुद्दों को छोड़ते हुए धीरे धीरे ये जातिवादी राजनीति और दूसरा जो है ये अपराध के मुद्दे पर शिफ्ट होगा, और वही चीज देखने को मिल रहा है। तो जैसे अभी आप देखिए पिछली बार 2017 का चुनाव देखिए, तो अयोध्या को लेकर के 2012 में यहाँ पर सपा का वर्चस्व था, इसके बाद 2017 में बीजेपी ने क्लीन स्वीप कर दिया। इन पूरी सीटों के अगर जितने आज पांचवें चरण के चुनाव थे, इसमें से 90% सीटों पर बीजेपी का कब्जा रहा है, और अब की बार बीजेपी के लिए एक चैलेंज है, क्योंकि 2017 का चुनाव जो था वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के उसपे लड़ा गया था फेस वैल्यू पर, अब अभी योगी जी के फेस वैल्यू पर लड़ा जा रहा है और उनको अपनी चीजें साबित करनी है। हाँ ये है कि चूंकि राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा रहा है और चूंकि मंदिर बनना शुरू हो चुका है, तो इस क्षेत्र को खास करके ये अयोध्या और इलाहाबाद प्रयागराज और दूसरा चित्रकूट में ये मुद्दा तो चलेगा। और तीसरी बात जो सबसे बड़ी है कि अभी जो आज एक सवेरे घटना हुई कि प्रतापगढ़ को लेकर के, क्योंकि प्रतापगढ़ का एक अपना सियासी राजनीति बिल्कुल अलग होती है, बीच में पड़ता है इलाहाबाद के, कुंडा खास करके कुंडा को लेकर के जो बयान आया था, और आज जो गुलशन यादव का के ऊपर जो काफिले पर हमला हुआ, खास करके उनके एक एजेंट को जो अभी मारा गया, सिर फोड़ दिया गया, तो इसको लेकर के एक फिर नया डंडा, एक नया समीकरण चलेगा और नया एक वो चलेगा, पूर्वांचल की तरफ नई हवा बनाई जाएगी। तो अच्छा प्रतापगढ़ को लेकर के, प्रतापगढ़ की सियासी राजनीति थोड़ी सी ये सीट प्रतापगढ़ की दी गई थी अपना दल को, लेकिन जब वहां पर सोनेलाल पटेल की वाइफ कृष्णा पटेल जी चुनाव लड़ने आ गए तो अपना दल ने ये सीट वापस कर दिया बीजेपी को। तो कहीं ना कहीं अच्छा रामपुर खास में एक तरह से सपा ने मोना मिश्रा को बिल्कुल वॉकओवर दे रखा है, तो ये एक तरफ तो आप विरोध करते हैं, दूसरी तरफ वॉकओवर भी देते हैं। तो इन समीकरणों को अगर ध्यान देंगे तो अभी थोड़ी थोड़ी जो जातिवादी राजनीति चल रही है और जातिवादी राजनीति का जो ध्रुवीकरण किया जा रहा है, ये अभी आने वाले चरण में जैसे जैसे पूर्वांचल की तरफ चुनाव बढ़ेगा, आप अपराध के मुद्दे आएंगे, अपराधीकरण की बात आएगी, राजनीतिक अपराधीकरण की बात आएगी, क्योंकि इस अच्छा जैसे अपराधीकरण की अगर हम बात करेंगे इसमें इस चुनाव में, तो पांचवें चरण में आप देखिएगा कि जितने भी प्रत्याशी हैं सारी पार्टियों ने किसी कोई भी अछूता नहीं है कि अपराधियों को टिकट दे जाए। अयोध्या की बात कर लीजिए, वहां पर खब्बू तिवारी जी बैठे हैं, गोसाईगंज से चुनाव लड़ रहे हैं, जेल में बंद हैं, दूसरी तरफ अभय सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। तो इस तरह से अगर राजनीति की अपराधीकरण की बात की जाए तो ज्यादातर लोगों ने अगर हम समाजवादी पार्टी की बात करें 59 में से 29 उम्मीदवार उनके आपराधिक पृष्ठभूमि के हैं, अपना दल के 7 केवल उम्मीदवार हैं लेकिन उनमें भी 2 आपराधिक पृष्ठभूमि के रहे हैं, बीजेपी के 52 में से 22 उम्मीदवार आपराधिक पृष्ठभूमि के हैं, बसपा के 61 में से 17, मतलब आप देखिए तो एक सीक्वेंस दिखेगा जी। और कहीं ना कहीं मतलब इनकी जो पकड़ है, जो अपराधिक चेहरे हैं, लेकिन इनकी जो पहुंच है इनके जिले में, इनकी विधानसभा में, तो उसको देखते हुए दाव खेला गया है कि भले ही ये आपराधिक मुकदमों में लिप्त हैं, लेकिन जो इनकी पहचान है, जो इनकी पहुंच है जनता के बीच, जो इनको जन समर्थन मिलता है, उसको देखते हुए इनको टिकट दे दिया गया है। अरविंद जी, जिस तरह से ये मामला पूरा इस बार का चुनाव देखने को मिला है, अपराधियों के इर्द गिर्द घूमता हुआ, अपराध के मुद्दे उठाए जा रहे हैं, बीजेपी द्वारा सपा पे लगातार आरोप किया गया कि अपराधियों को बढ़ावा दिया जाता है, शह दी जाती है, सपा द्वारा भी कहा गया कि बीजेपी में भी कम दागी चेहरे नहीं है, तो जो ये इसके इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आ रहा है, अपराध के मुद्दे उठाए जा रहे हैं और जो मुख्य मुद्दे हैं वो कहीं गुम होते नजर आ रहे हैं, तो क्या कहेंगे इस पे, किस तरह से देखते हैं, और अपराधियों के जो जन समर्थन है उसको देखते हुए उनको टिकट दे देना कितना सही है? देखिए ये मेरे हिसाब से नॉन इश्यूज हैं, ये इलेक्शन रिटोरिक ज्यादा है जी। अगर आप इस इलेक्शन को देखें तो ये 2017 से बिल्कुल अलग इलेक्शन है। 2017 में जिस तरीके की एंटी इनकम्बेंसी थी और एक अल्टरनेटिव जनता ढूंढ रही थी, उसका क्रिटिकल एडवांटेज बीजेपी को मिला जी। एक लहर जैसी दिखाई पड़ी, ये वो लहर थी जिसको हम उस समय रीड नहीं कर पाए, कोई भी एनालिस्ट रीड नहीं कर पाया, और हमें लास्ट में ये दिखाई पड़ा
कि इलेक्शन पूरी तरीके से बीजेपी की तरफ स्विंग हो गया। ये इलेक्शन शायद उससे बिल्कुल विपरीत है, इसमें भी कुछ अंडर करेंट है, वो हम लोग शायद सभी उसको पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। इस अंडर करेंट का हो सकता है कि हम अलग अलग फेजेस में बात करें तो शायद फैक्टर्स और जो इंडिकेटर्स हैं वो मार्जिनली शिफ्ट होते हुए दिख रहे हैं। खासतौर पर अगर आप पहले तीन फेजेस को देखें तो जिस तरीके का माहौल पहले तीन फेजेस में बना है वो बहुत इंटरेस्टिंग दिखाई पड़ता है। निश्चित तौर पर वहां एक स्ट्रॉन्ग एंटी इनकम्बेंसी दिखाई पड़ रही है। पहले दो फेजेस में आपको किसान आंदोलन का बहुत असर दिखाई पड़ रहा है, साथ ही साथ जो सपा वर्सेस बीजेपी का एक वन टू वन कंटेस्ट इस बार होता हुआ दिख रहा है, इसका डिसएडवांटेज बीजेपी को मिल रहा है और एक बहुत क्रिटिकल एडवांटेज समाजवादी पार्टी को मिल रहा है। इस तरीके का बाइपोलर इलेक्शन बहुत सालों के बाद उत्तर प्रदेश में दिखाई पड़ रहा है जी। और बीजेपी को हमेशा से एडवांटेज रहा कि जो कोर वोट बैंक बीजेपी के अपोजिशन का था वो डिवाइड हो जाता था, खासतौर पर माइनॉरिटी वोट या ओबीसी वोट या जो उत्तर प्रदेश की राजनीति की गणित है वो बीजेपी के एडवांटेज में आ जाती थी, खास तौर पर इस वजह से क्योंकि वोट का डिवीजन होता था। तो पहला जो एडवांटेज हो रहा है समाजवादी पार्टी को कि समाजवादी पार्टी अकेली पार्टी खड़ी दिखाई पड़ रही है जो बीजेपी को चैलेंज कर रही है। अखिलेश यादव इस समय एक बहुत बड़े नेता के रूप में उभरे हैं और इसका जो एडवांटेज है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस का मार्जिनलाइजेशन और इस इलेक्शन में बसपा का मार्जिनलाइजेशन, ये दोनों ही चीजें सपा को बहुत एडवांटेज दे रही। पहले फेज में हमें साफ तौर पे दिखाई पड़ा कि एक लहर सी जो शायद अंडरकरंट भी हम रीड नहीं कर रहे हैं जी। पहले चार फेजेस में निश्चित तौर पर एक क्रिटिकल एडवांटेज समाजवादी पार्टी को हो चुका है। अगर आप इस इलेक्शन को देखें तो जो मेरा फीडबैक है अभी तक का वो ये कह रहा है कि बाराबंकी में, प्रयागराज में, इस पूरे इस इलेक्शन की ज्यादातर सीटों पर, आप कुछ डिस्ट्रिक्ट छोड़ दें, खासतौर पर अयोध्या में बहुत क्लैरिटी नहीं आ रही है, चित्रकूट में भी मैं इस बात से एग्री नहीं कर रहा कि यहाँ कोई राम मंदिर जैसी कोई वेव, ऐसी कोई चीज नहीं जी। राम मंदिर एक नॉन इशू है इस इलेक्शन में, बिल्कुल किसी तरीके का पोलराइजेशन ना तो मंदिर के कंटेक्स्ट में या किसी भी दूसरे कंटेक्स्ट में इस तरीके का कोई पोलराइजेशन होता हुआ इस इलेक्शन में नहीं दिखाई पड़ रहा है। समाजवादी पार्टी को इस फेज में भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज और लगातार इस पूरे फेज में एक एडवांटेज रहा है वो है ओल्ड पेंशन का जी। ओल्ड पेंशन स्कीम का जो रिस्टोरेशन की बात अखिलेश जी ने जो की है, अगर आप देखें हर कंस्टिट्यूएंसी में लगभग 10,000 से 20,000 वोटर, क्योंकि करीब 13-13.5 लाख एम्प्लॉयज हैं जो इससे सीधे तरीके से प्रभावित हो रहे हैं ओल्ड पेंशन स्कीम से, इसका मतलब है कि करीब 13.5 लाख परिवार, ये करीब करीब 70 लाख से 1 करोड़ वोट पूरे प्रदेश में इंपैक्ट कर रहा है जी। और ये 70 लाख से 1 करोड़ वोट अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो आपको ये दिखाई पड़ता है कि हर कंस्टिट्यूएंसी में लगभग लगभग 10 से 20 हजार वोट का डिफरेंस सिर्फ ओल्ड पेंशन स्कीम क्रिएट कर रही है। लखनऊ जो बीजेपी का गढ़ रहा है, पिछले इलेक्शन में सारी सीटें बीजेपी ने ले ली, मुझे नहीं लगता कि इस बार बीजेपी को 4 सीट भी लखनऊ से लेने में दिक्कत आएगी, कम से कम 4 से 5 सीट, और ये मैं कम से कम बोल रहा हूं, लखनऊ से समाजवादी पार्टी लेकर के जाएगी, क्योंकि यहां बहुत सारी कंस्टिट्यूएंसीज में, क्योंकि लखनऊ सरकारी कर्मचारियों की भी एक बड़ी बेल्ट है, ज्यादातर एनालिस्ट इस बात को उतनी एम्फेसिस नहीं दे पा रहे हैं जितनी शायद दूसरे मुद्दों को दे रहे हैं। मुझे लगता है ओल्ड पेंशन स्कीम एक बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा। अगर आप पिछले इलेक्शन को देखें 2017 के, तो 70 से ज्यादा सीटें ऐसी थी जहां 2-3 हजार से कम का वोट मार्जिन है, मलियाबाद लखनऊ में 500 वोट का मार्जिन, ऐसे बहुत सारी सीटें, तो ये 70 सीटें इमीडिएटली सिर्फ ओल्ड पेंशन स्कीम से प्रभावित हो सकती हैं। साथ में जो कंसोलिडेशन का एडवांटेज है वोट्स का समाजवादी पार्टी के पक्ष में, जो इस बार बिखराव नहीं दिख रहा है, मुझे लग रहा है क्रिटिकल एडवांटेज समाजवादी पार्टी को ऑलरेडी हो चुका है, आने वाले फेज में आप देखेंगे कि एडवांटेज और बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। इस बार मुझे बीजेपी के लिए आसार बहुत अच्छे नहीं दिख रहे जी। अरविंद जी, अगर बात करी जाए पिछले चुनावों में जो वादे और दावे किए गए थे, जितने मुद्दे उठाए गए थे, इस बार कहीं ना कहीं बीजेपी के मुद्दे कम दिख रहे हैं, सपा के मुद्दे ज्यादा दिख रहे हैं, तो इसको देखते हुए क्या लगता है? और अगर वही मुद्दे उठाए होते जिस तरह से पिछली बार लहर देखने को मिली थी, और इस बार लहर नहीं है लेकिन मुद्दे उठा सकते थे, लेकिन वही धर्म से जुड़े हुए मुद्दे उठाए, अपराधों से जुड़े हुए मुद्दे उठाए, विकास कहीं दूर रहा, हालांकि रोजगार देने की बात कही गई, किसानों के लिए बात कही गई, लेकिन जिस तरह से परेशानियों का सामना करा है इस मौजूदा
मौजूदा सरकार में लोगों ने, तो क्या इसका असर पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल इसका असर है। देखिए, आम जनता के जो क्रिटिकल चैलेंजेस हैं, उत्तर प्रदेश का शायद ही कोई ऐसा किसान आ जाए जो चाहता है कि उसके बच्चे किसानी करें, क्योंकि किसानी पहले ही बहुत एक नॉन इकोनॉमिक इंटरवेंशन हो गया था। और इस पूरे काल में भी सरकार ने वादा किया कि किसान की इनकम दुगनी कर दी जाएगी, लेकिन जो ग्राउंड से फीडबैक आ रहा है कि लेखपाल किसानों को मजबूर कर रहा है कि पिछली बार जितनी इनकम दाखिल की गई थी उससे डबल करके सर्टिफिकेट में तो आ रहा है। कागज पर हम बदलाव कर रहे हैं, लेकिन सरकार को ये समझना चाहिए, शायद ये डिस्कनेक्ट है आम जनता के साथ बीजेपी का, बीजेपी सरकार का, जो ये मौका दे रहा है कि किसान की इनकम नहीं बढ़ी लेकिन उसको दिखाने की कोशिश की जा रही है कि उसकी इनकम बढ़ गई। तो किसान बहुत मुश्किल में है, उसके लिए कोई अप्रोप्रिएट इंटरवेंशन जैसे होने चाहिए थे वो नहीं हुए। बिल्कुल इसी तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी बेइंतहा बड़ी है। और जो बात आप कह रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से डेवलपमेंट इश्यूज पर फोकस नहीं आया, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। उसका शायद कारण ये है कि बीजेपी को जिस तरीके से काम करना चाहिए था डेवलपमेंट इश्यूज पे, वो शायद काम नहीं किया, इसीलिए वही पुराना रिटोरिक लाने की कोशिश है। देखिए, 2017 में बीजेपी चैलेंजर थी, आज बीजेपी सत्ता में, आज बीजेपी की जवाबदेही है। आप आज अखिलेश यादव की जवाबदेही नहीं ले सकते, आज आपको अपनी जवाबदेही देनी है। बीजेपी की पूरी कैंपेन, उन्होंने क्या किया इस पर फोकस करनी चाहिए थी, लेकिन बीजेपी बजाय अपनी कैंपेनिंग करने के, जिस तरीके से उन्होंने टारगेट किया अखिलेश यादव को, अखिलेश यादव को और भी बड़ा नेता बनाने में मदद की, तो कहीं ना कहीं बीजेपी भी शायद कैंपेनिंग कर रही है समाजवादी पार्टी की, अपनी कैंपेनिंग के बजाय। और जो पुराना रिटोरिक है वो एक बार जो चीज चल जाती है वो हर बार नहीं चल पाती। और ये जो ध्रुवीकरण है, खासतौर पर रिलीजियस लाइन्स पर जो ध्रुवीकरण है, इसकी जो कोशिश की गई है, मुझे लगता है इस बार वोटर्स के साथ बहुत अच्छी नहीं गई है। और जो लैंग्वेज और बॉडी लैंग्वेज बीजेपी नेताओं की है, इसका भी इस बार डिसएडवांटेज मिलने वाला है बीजेपी को, जो शायद पिछली बार एडवांटेज मिला था। एक कॉन्फिडेंट लीडरशिप दिखाई पड़ रही थी, इस बार वो एरोगेंट लीडरशिप दिखाई पड़ रही है। ये बहुत सटल डिफरेंसेस होते हैं, लेकिन ये इलेक्शन में जनता के लिए कभी कभी बहुत मैटर कर जाते हैं, और मुझे लगता है इस इलेक्शन में मैटर करने वाले हैं। भूपेंद्र जी, इस बार के चुनाव में हर वर्ग के वोटर हैं, लेकिन अगर बात करी जाए युवाओं की, तो युवा क्या देख के इस बार वोट करने वाले? क्योंकि अगर बात करी जाए उत्तर प्रदेश की राजधानी की, सबसे ज्यादा प्रदर्शन देखे गए। हालांकि बात करते हैं पीएम मोदी और सीएम योगी की एमएसएमई की, ओडीओपी की बात करते हैं, आईटी की बात करते हैं, आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, तो इन सब चीजों को देखते हुए क्या युवा इस ओर ध्यान देगा या फिर बेरोजगारी की ओर सबसे ज्यादा फोकस रहेगा? देखिए, बिल्कुल सही कहे हैं, हम थोड़ा सा अरविंद जी की बात को आगे बढ़ाते हुए कह सकते हैं कि देखिए, अगर ओल्ड पेंशन स्कीम ही एक गेम चेंजर होता तो अभी राजस्थान में गवर्नमेंट ने ओल्ड पेंशन स्कीम को की बहाली कर दी है, और उसका माइलेज अगर मिलता तो शायद कांग्रेस उस माइलेज को लेकर के जाती। लेकिन कांग्रेस की जो स्थिति है अभी इस चुनाव में, वो ज्यादा से ज्यादा 2-4 सीटें से ज्यादा उनका कहीं माइलेज नहीं दिख रहा है, और उसमें भी ज्यादातर ये दिख रहा है कि उनके जो प्रत्याशी हैं उनकी अपनी पृष्ठभूमि के कारण या अपने वजह से वो माइलेज लेकर के, या वो अपने वजह से वो सीटें निकाल पाएंगी, नंबर एक। नंबर दूसरी चीज ये है कि बेरोजगारी तो कोई मुद्दा उठा ही नहीं रहा है इस चीज को उतनी तेजी से जिस तेजी से मुद्दे को उठाना चाहिए था। अगर सीएम योगी की बात की जाए तो वो कहते हैं कि बुलडोजर विकास का प्रतीक है, एक तरफ तो कहते हैं कि बुलडोजर विकास का प्रतीक है, दूसरी तरफ जो आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग उनको टिकट देते हैं, और इससे कोई भी पार्टी अछूती नहीं है, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो या अपना दल हो या समाजवादी पार्टी हो, बसपा हो, सबके आंकड़े मैंने एक बार गिनाए थे अभी आपको। इस चरण की भी बात कर लीजिए, अयोध्या में जो अयोध्या का जो रिपरकशन है इसको भुनाने की कोशिश तो देखिए पूर्वांचल में की जाएगी, लेकिन हर एक स्थानीय मुद्दा हर सीट के लिए अलग डिसाइड होता है। अयोध्या की पृष्ठभूमि को अगर ध्यान में रखते हुए देखा जाए तो 2012 में वहां से पवन पांडे जी जीते थे, इसके बाद जबकि ये लल्लू सिंह का गढ़ हुआ करता था, लेकिन लल्लू सिंह अभी भी वहां पर एक प्रभावशाली नेता के रूप में है। यद्यपि बगल में गोसाईगंज सीट उसको अफेक्ट कर रही है, वहां पर कब्बू तिवारी जी है, लेकिन वो जेल में है और उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही है, तो इसका एक माइलेज जो है अभय सिंह उनको टक्कर दे रहे हैं वहां पर। अभय सिंह का अलग से एक बाहुबली वाला रुतबा है वहां पर, प्रतीक है जी। थोड़ा सा सुल्तानपुर की तरफ बढ़िएगा, क्योंकि ये लकीर से बेल्ट चल रही है, तो सुल्तानपुर में संजय सिंह की सीट की बात कर लीजिए,
संजय सिंह पहले कांग्रेस में हुआ करते थे, अभी बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन वहां पर एक इमोशनल फैक्टर ये खेल दिया गया कि जैसे ही उन्होंने चुनाव में अपना हलफ पत्र दाखिल किया, उन्होंने पत्नी का नाम अमिता मोदी लिखा और तुरंत गरिमा सिंह ने उस पर ऑब्जेक्शन कर दिया और कोर्ट चली गई। तो एक ये जो इमोशनल कार्ड वहां खेला गया, यद्यपि वहां पर मेनका गांधी जरूर लगातार कैंपेनिंग कर रही है और इसौली विधानसभा क्षेत्र से ये आपके यशवंत्र सिंह मोनू चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी आपराधिक पृष्ठभूमि है। इसके बाद फिर थोड़ा सा मतलब लगातार वो जब बीजेपी के लिए वहां पर हमेशा एक प्लस पॉइंट रहा है, स्मृति ईरानी चुनाव लड़ रही है, अमेठी को प्रभावित करना है, अमेठी का यद्यपि गढ़ कांग्रेस का ढह चुका है, लेकिन इसके बावजूद आप बैकग्राउंड अगर देखें तो लोकसभा में हमेशा माइलेज वहां पर कांग्रेस को मिलता रहा अमेठी सीट पर, लेकिन विधानसभा का सीट हमेशा दूसरी पार्टियां जीतती रही हैं। इसके बावजूद वहां पर ध्यान दीजिए, गायत्री प्रजापति जेल में है, उनकी पत्नी को सपा ने चुनाव में उतार दिया है जस्ट टू गेन द इमोशनल कार्ड खेला गया है। सलोन विधानसभा की आप बात कर लीजिए, बीजेपी में आ चुकी है, सलोन का जो प्रत्याशी थे वो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी में, तो नए लोगों को लेकर के यद्यपि कांग्रेस ने दांव खेला है सलोन, लेकिन रायबरेली की सीट प्रियंका गांधी के लगातार कैंपेन के बावजूद इतनी आसान नहीं होने जा रही है। अभी आप सिराथू की बात कर लीजिए, सिराथू से हमारे जो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी चुनाव लड़ रहे हैं, उनका आज एक गांव में गए थे, उनको कैंपेन को लेकर के फुटेज दिन भर चल रही है कि उनका विरोध हो रहा है, यद्यपि वो एक पर्टिकुलर मैटर था जिस पर इनको एक्शन लेना था और इन्होंने एक्शन नहीं लिया था, किडनैपिंग का आरोप बीजेपी के कैंडिडेट कार्यकर्ता पर लगा हुआ था जी। उसको लेकर के वहां पर भी 2012 में वो सीट है जहां पर डिप्टी सीएम पहली बार चुनाव लड़ करके और इसके बाद विधानसभा में पहुंचे थे, लेकिन फिर भी अब इसका मतलब ये नहीं पूरी विधानसभा में उस चीज को लेकर के पूरा विरोध होगा। सिद्धार्थनाथ सिंह बगल से चुनाव लड़ रहे हैं इलाहाबाद पश्चिम से, उनका भी एक और नंद गोपाल गुप्ता नंदी लड़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है सिराथू का प्रभाव जा करके इलाहाबाद में युवाओं का मुद्दा जी। तो सोच समझ के तो समीकरण बैठाए गए हैं और इसी हिसाब से जिस तरह की जनता है उसी हिसाब से डिमांड के हिसाब से वहां पे प्रत्याशी भी उतारे गए हैं, लेकिन अगर मुद्दों की बात करी जाए तो युवाओं के मुद्दे जिस तरह से सबसे ज्यादा रोजगार को लेके युवा वोट करते हैं, तो वही एक सवाल ये भी उठ रहा है कि इस बार जो पांचवें चरण में जो युवा है तो उन्होंने किस चीज को देख के आज वोट किया है। वही बात मैं कहने जा रहा था कि देखिए हर जगह का अभी अखिलेश जी का एक बयान दिया है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी लैपटॉप तो बांट रहे हैं लेकिन उनको लैपटॉप चलाना ही नहीं आता है जी। तो उसके जवाब में योगी जी कह रहे हैं कि विकास का मुद्दा बुलडोजर है, लेकिन इसके बावजूद हर जगह के स्थानीय युवाओं को बात कर लेकर के कि युवाओं के मन में एक चीज है कि पिछले 2017 के बाद से जो वैकेंसीज डिक्लेयर हुई है, यद्यपि 4.5 लाख रोजगार की बात की जा रही है, लेकिन वो 4.5 लाख रोजगार कहाँ पर आ रहा है, वो शिक्षक भर्ती पुलिस भर्ती या इसकी बात की जा रही है, लेकिन एक मुद्दा तो ये है ही है कि पीसीएस की वैकेंसी आई नहीं, पीसीएस की वैकेंसी रेगुलर नहीं हो पा रही है। आपने एक आयोग का गठन किया था लोअर सबॉर्डिनेट आयोग का, उसका अभी तक वैकेंसी भरी नहीं गई है, उसकी चुनाव उसका विज्ञापन आ करके रह गया। दूसरे पदों पर भर्तियां जो है वो नियमित नहीं हो पा रही हैं। तो इलाहाबाद में जो आप अगर बच्चों का जो गढ़ है, इलाहाबाद जो छात्रों का गढ़ है, वहां पर केवल इलाहाबाद के छात्र नहीं आते, पूर्वांचल के आते हैं और बल पे चलता है। और ये जाकर के अगला चरण जो है छठवां और सातवां पूरा पूर्वांचल का चुनाव है। तो बेरोजगारी को अगर कोई भी पार्टी मुद्दा बनाएगी और मुद्दे को लेकर के भुनाने की कोशिश करेगी तो इसका माइलेज हम बिल्कुल कह रहे हैं कि मिलने जा रहा है, उस पार्टी को मिलेगा। एक मुद्दा होना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य ऐसा है कि कोई भी पार्टी इसको मुद्दा बना ही नहीं रही है उतनी तेजी से जितना तेजी से इसको होना चाहिए। हाँ, एक मुद्दा बना था लेकिन उसका काउंटर आ गया तुरंत। काउंटर क्या आया कि हम फ्री स्कूटी दे देंगे छात्राओं को, चलो भैया फ्री स्कूटी मिल जाएगी, फ्री में मोबाइल मिल गई, लेकिन रोजगार कहाँ गया? बिल्कुल फ्री वाली राजनीति देखने को मिल रही है। जितना रोजगार दिया जा रहा है वो उनके लिए नहीं है, वो स्किल्ड लेबर के लिए है, और स्किल्ड लेबर की मैपिंग की बात की गई थी लेकिन स्किल्ड लेबर की मैपिंग नहीं हो पाई, तो ये एक प्रॉब्लम तो है ही है।
बीजेपी के लिए ये एक डिसएडवांटेज है, एंटी इनकम्बेंसी तो है ही है ये। जी अरविंद जी, छात्रों के और युवाओं के जो रोजगार की बात हो रही है, लेकिन रोजगार का मुद्दा सबसे पहले तो ये उठता है कि जब पेपर लीक हो जाते हैं, सबसे पहले वो सिविल से लेके टेट तक के सारे पेपर लीक हो गए हैं, कितने पेपर इस सरकार में लीक हुए हैं, परीक्षा रद्द हुई है और वैकेंसी नहीं निकल रही है, तो जो इन समस्याओं का सामना कर रहे हैं युवा, तो इनका समाधान क्या रहेगा? क्या सरकार को बदल के ही युवाओं को समाधान मिलेगा? फ्री लैपटॉप बांटना, फ्री स्कूटी बांटना और लगातार बातें करना, क्या दावे करना, इन सब से युवा क्या वोट दे देंगे, या फिर सरकार को बदल के वोट जो इस बार कर रहे हैं युवा, सरकार को बदलेंगे तो उसके बाद उन्हें रोजगार मिल पाएगा? देखिए, रोजगार एक ऐसा मुद्दा है और इस तरीके के सारे दूसरे मुद्दे जी, ये आपके रिटोरिक से, आपके एडवर्टाइजमेंट से प्रभावित नहीं होता है आदमी, वो प्रभावित होता है अपने अनुभव से जी। और अगर आप देखें तो इस समय हम पिछले 20 साल के लोएस्ट लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट पर है, अनएम्प्लॉयमेंट पीक पर है। अगर आप अलग अलग ग्रुप्स में देखें तो अभी मैं कृषि की बात कर रहा था, कृषि बहुत मुश्किल में है, कृषि के बाहर जाएं तो अर्बन एरियाज में या नॉन एग्रीकल्चरल आपका सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है अनऑर्गेनाइज सेक्टर, जिसको हम इनफॉर्मल सेक्टर कहते हैं, छोटे बहुत मझोले एकदम छोटे उद्यम है, ये लगभग खत्म हो गया है, इसमें ये सबसे बड़ा एम्प्लॉयर, ये अर्बन एरिया में करीब 64% लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है और ये एम्प्लॉयमेंट आज की तारीख में पूरा खत्म है। ये व्यक्ति ठीक है, बीजेपी को एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि आपने राशन दिया लोगों को, लेकिन राशन शायद उसका एडवांटेज मिलेगा बीजेपी को, लेकिन मुझे लगता है वो बहुत सीमित रहने वाला एडवांटेज, सीमित इसलिए रहने वाला है कि वो एडवांटेज है लैंडलेस लेबर को, वो एडवांटेज है अर्बन एरियाज में जो मेड या इस तरीके के जो वर्कर्स हैं उनको एडवांटेज है, लेकिन इनकी संख्या सीमित है। बाकी आपका मार्जिनल फार्मर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर का जो एम्प्लॉयमेंट पा रहा था, और जब आप यूथ की बात कर रहे हैं, एजुकेटेड यूथ की बात कर रहे हैं, क्रिटिकल अनएम्प्लॉयमेंट है, लगातार 2017 से लेकर आज तक लगातार अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता चला गया, हिंदुस्तान में भी, उत्तर प्रदेश में भी। ये जो आम छात्र जो फील कर रहा है उसका असर दिखाई पड़ेगा। इसी तरह आप अगर प्रयागराज की बात करें तो जो लाठीचार्ज हुआ, जो मुद्दा आपने भी उठाया कि पहले तो वैकेंसी नहीं आई, फिर उस वैकेंसी के उसको क्रियान्वित कराने के लिए कोर्ट से लेकर हर तरीके के चक्कर छात्रों को लगाने पड़े और बाद में फिर इस तरीके की घटना को हो जाना, मुझे लगता है कि ये रूलिंग डिस्पेंसेशन के लिए बहुत अच्छा नहीं होने जा रहा है। साथ ही हमें दो चीजों पर और ध्यान देना चाहिए कि आउटगोइंग गवर्नमेंट जो अब तक रूल कर रही थी पिछले 5 साल, उसके नए वादे, उसकी नई स्कूटी, उसका नया लैपटॉप, ये काम नहीं करता। आपने क्या डिलीवर कर दिया 5 साल में, सिर्फ उसकी क्रेडिबिलिटी रहती है। जो चैलेंजर है, जो पिछली बार बीजेपी को एडवांटेज था कि आप चैलेंजर थे, आपने कहा हम ये कर देंगे, जनता ने उसको माना, इस बार जनता ये देखना चाहेगी कि आपने क्या किया, मुझे रोजगार मिला कि नहीं मिला, ये यहां पर बीजेपी कहीं पर पिछड़ रही है। साथ ही जो बात भूपेन जी कह रहे थे कि ओल्ड पेंशन स्कीम राजस्थान ने अनाउंस कर दी, उसका एडवांटेज कांग्रेस को मिलना चाहिए था, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को नहीं मिलेगा। ये बहुत इन्फॉर्म ग्रुप है, 13.5 लाख कर्मचारी, उनके परिवार, ये इन्फॉर्म ग्रुप है, वो जानता है कि सिर्फ ओल्ड पेंशन स्कीम सरकार नहीं बनाने जा रही, ये कटिंग एज डिफरेंस लाएगी, और इसके लिए वो पार्टी जो इलेक्शन जीतने की पोजीशन में, सरकार बनाने की पोजीशन में, उनमें से किसका अनाउंसमेंट है? अखिलेश यादव को सबसे बड़ा एडवांटेज है, फर्स्ट मूवर एडवांटेज, और साथ ही साथ वो अकेले चैलेंजर दिखाई पड़े, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस चैलेंजर नहीं है, तो ये वोट, एक वोट भी कांग्रेस को नहीं जाने वाला है, इसका जो भी वोट का डिफरेंस आएगा वो पूरी तरीके से सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी को जाएगा। इसका असर कांग्रेस के फेवर में आपको उत्तराखंड में दिखाई पड़ेगा, उत्तर प्रदेश में नहीं दिखाई पड़ेगा, क्योंकि वहां पर कांग्रेस एक महत्वपूर्ण पार्टी है, यहां पर कांग्रेस ऑलरेडी हाशिए पर है। तो ये कहना कि इसका एडवांटेज समाजवादी पार्टी को ना होकर के कांग्रेस को होगा, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। उत्तर प्रदेश में ओल्ड पेंशन स्कीम का एक भी वोट सिर्फ अखिलेश यादव के पास जाएगा, कांग्रेस के पास नहीं जाने वाला है। और एम्प्लॉयमेंट एक मुद्दा है, जो डेवलपमेंट के इश्यूज हैं, जो आम आदमी को कटिंग एज पर इंपैक्ट डालते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, वो इस इलेक्शन में है। आम आदमी बोलता नहीं है, लेकिन वो वोट में आपको उसका असर दिखाई पड़ेगा, वो क्योंकि उसकी वॉइस नहीं है,
वो कहने की स्थिति में नहीं, इसका मतलब नहीं है कि उसका इलेक्शन में असर नहीं आएगा, इलेक्शन में आपको असर दिखाई पड़ेगा। अरविंद जी, अगर बात करें कांग्रेस की स्थिति की, तो पहले से कई संभलती हुई दिख रही है। जिस तरह से प्रियंका गांधी ने अपनी पकड़ बनाई उत्तर प्रदेश में, जो खो गया था वर्चस्व, जो पहचान खो रही थी कांग्रेस की, तो वो कहीं बनाती हुई दिख रही है। तो क्या इस बार की जो उत्तर प्रदेश में 2022 का चुनाव है उसमें कुछ सीटें मिलेंगी, और अगर नहीं भी अपनी पहचान बना पाती, पकड़ बना पाती है, तो क्या जो तैयारियां 2022 के चुनावों में करी है तो वो 2024 के चुनावों में देखने को मिलेगी? देश की एक मजबूत विपक्षी पार्टी बनकर उभरेगी कांग्रेस? देखिए, आपने बहुत महत्वपूर्ण इशू उठाया है। प्रियंका जी का जो पिछले 3-4 साल का प्रयास है वो बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी है। कांग्रेस को नए सिरे से खड़ा करने की कोशिश है, और ये मुझे लगता है एक बहुत प्रभावी कोशिश है। इसका असर आपको इस इलेक्शन में नहीं दिखेगा। मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस को 7-8 सीट से ज्यादा मिलेंगी। डबल डिजिट में जाना कांग्रेस के लिए मुश्किल होगा, कहीं कहीं वोट परसेंटेज बढ़ेगा, लेकिन ये एक तरीके से नए सिरे से एक पार्टी खड़ी करने की कोशिश है, बीज बोने की कोशिश है। और आपको आने वाले इलेक्शन में, खासतौर 2024 में, इसका कुछ असर दिखेगा, और धीरे धीरे अब ये पार्टी शायद रूट पकड़ना शुरू करेगी। तो मुझे लगता है जो काम शायद सोनिया गांधी या राहुल गांधी नहीं कर पाए उत्तर प्रदेश में, वो शायद प्रियंका गांधी ने किया है, लेकिन इसका असर इस इलेक्शन में नहीं होगा। इस इलेक्शन में कांग्रेस को शायद एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही होंगी, शायद कांग्रेस को इस तरीके का एक्सपेक्टेशन इस इलेक्शन में रखना उचित नहीं है। लेकिन निश्चित तौर पर कांग्रेस के वापस खड़ी होने की शुरुआत जरूर प्रियंका ने की है। जी बिल्कुल। भूपेंद्र जी, अगर बात करी जाए बीएसपी की, तो बीएसपी कहाँ दिख रही है इस चुनाव में? क्योंकि पिछले बार के जो चुनाव हुए थे, जितनी सीटें मिली थी बीएसपी को, तो वहां पे कहीं गायब थी मायावती। इस बार चुनावी मैदान में है, जनसभा को संबोधित कर रही है, अपनी नीतियों को, अपने जो प्रत्याशी उतारे, बहुत सोच समझ के प्रत्याशी उतारे हैं, और लगातार प्रचार प्रसार भी करती हुई नजर आ रही है, तो कहीं ना कहीं वो लौटी है। तो इसका असर इस चुनाव पे कितना देखने को मिलेगा? अगर वो कुछ सीटें पाती भी है, बीजेपी का जो नरम रवैया देखने को मिला है अमित शाह को, जो बयान आया था, तो क्या अगर कुछ सीटें जीतती है मायावती, तो कहीं गठबंधन की कोई आशंका लग रही है किसी पार्टी से? जी, एक लाइन में बोलना चाहूंगा जी बीएसपी के लिए, कि हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। बिल्कुल। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के चुनाव से लेकर के, अगर जहां से वो आती हैं खुद मायावती जी, और इसके बाद दूसरा चरण तीसरा चरण बीत जाता है, तब उनकी एक दो रैली सुनाई पड़ती है जी। इसके बाद धीरे धीरे अब उनका वो अब तक जो भरोसा था, उनका एक परंपरागत वोट है जी। और उस परंपरागत वोट के भरोसे वो बैठी हुई थी कि ये हमारा वोटर है, ये कहीं नहीं जाएगा जी। दूसरी बात, पूर्वांचल में उनके साथ एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति घटी है कि जो उनके बड़े नेता थे, उन्होंने वो छोड़ करके इस समय सपा में आ चुके हैं जी। आप रामचंद्र राजभर की बात कर लीजिए, एक बड़ा नाम हुआ करता था जी। लालजी वर्मा की बात कर लीजिए, वो भी एक बड़ा नाम हुआ करता था। तो और बड़ी मजे की बात यह है कि अभी पूर्वांचल में छठवें चरण में जब चुनाव होगा, तो इनके एक सांसद हैं रितेश पांडे जी, उनके पिताजी सपा से चुनाव लड़ रहे हैं जलालपुर सीट से जी। तो बड़ी मुश्किल है कि इनका जो कैडर है, जो ओबीसी कैडर है, इनमें दो कैडर है। आपको मैं बता दूं कि बसपा में दो कैडर है, एक ओबीसी कैडर है और एक अति पिछड़ा कैडर है। जो इनका परंपरागत कैडर है वो तो इनके साथ है, लेकिन जो ओबीसी कैडर इनका हुआ करता था, उसको इन्होंने धीरे धीरे साइडलाइन कर दिया है, और वो साइडलाइन हो करके आ गया सपा में। और ये माइलेज इन्होंने अपने आप उठा करके दे दिया। एक होता है कि हम माइलेज को हासिल कर लें, एक होता है कि हमने आपको गिफ्ट कर दिया। इन्होंने वास्तव में वो माइलेज गिफ्ट कर दिया है पूर्वांचल में, और उसका माइलेज दूसरी तरफ जो थोड़ा सा सपा के साथ ना भी होता, तो ओम प्रकाश राजभर जी आकर के इस माइलेज को और बढ़ा दे रहे हैं जी। तो ये सपा के लिए एडवांटेज हो गया और बसपा के लिए डिसएडवांटेज हो गया। यही वोट अगर रामचल बसपा में होते तो बट जाता, और बंटता तो पूर्वांचल में, खास करके जलालपुर सीट की बात कर लीजिए आप, वहां पर बलिया में बात कर लीजिए, गाजीपुर में बात कर लीजिए, इनका बड़ा प्रभाव है राजभर वोटों का। लेकिन मायावती के लौटने से कहीं ना कहीं जो वोटों का बिखराव होगा, जो कि भाजपा सपा के पास जाते हैं, उसमें से कुछ ना कुछ बिखराव तो होगा, इसका सीधा असर किसके ऊपर जा रहा है? नहीं, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, जो बिखराव होना था जी, वो बिखराव तो में गिफ्ट कर दिया है सपा को जी। वो बिखराव अब हो नहीं रहा है। एक बिखराव हो सकता था वो शिवपाल जी को लेकर के, जो पिछले 2017 में सपा ने भुगता कि शिवपाल यादव किनारे थे और उनका कैडर पूरा विरोध कर रहा था। अब की बार वो भी नहीं है, वो पारिवारिक एक साथ हो गए हैं। अब यहाँ पर एक माइलेज जो मिलना था बीएसपी को,
वो मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। हाँ, परंपरागत वोट इनके बरकरार हैं, वो परंपरागत वोट ही इनको वोट करेगा। दूसरी तरफ अभी जो बीजेपी के लिए है, ये आप ध्यान दीजिए कि जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे मुद्दे शिफ्ट करते जा रहे हैं। किसान का मुद्दा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा छाया हुआ था, पूर्वांचल में किसानों के मुद्दे की कोई बात नहीं की जा रही है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों की बात की जा रही थी, पूर्वी उत्तर प्रदेश में आकर के ये मुद्दा शिफ्ट हो गया छुट्टा जानवरों पर। और छुट्टा जानवरों के इस मुद्दे को बीजेपी ने तुरंत काउंटर करते हुए ये कह दिया कि जो गौपालक गायों को पालेंगे उनको हम 900 रुपया महीना देंगे। जी बिल्कुल। तो ये एक मतलब देखिए, अच्छा उसमें प्रधानमंत्री जी भी कूद पड़े, उन्होंने भी एक अनाउंस किया कि 10 मार्च के बाद हम इन गौ सेवकों को लिए या गौ वो उसका कितना बेनिफिट मिलता, क्योंकि पूर्वांचल में खेती को लेकर के कृषि को लेकर के ये एक बड़ा मुद्दा बन गया था, छुट्टा जानवरों से खेती को बड़ा नुकसान हो रहा था। दूसरी चीज थी फ्री गैस, जो कि इन्होंने सिलेंडर तो बांट दिए जी, अब फ्री गैस तो कोई भरा ही नहीं पा रहा है। तो अभी अमित शाह जी ने एक बयान दे दिया कि हम सिंचाई के लिए फ्री बिजली देंगे और होली और दिवाली पर फ्री गैस देंगे, यानी होली और दिवाली का मतलब हुआ एक एक सिलेंडर हम आपको फ्री देंगे। तो ये वाली राजनीति तो बीजेपी ने भी बहुत करी है, वो चाहे गैस सिलेंडर देना हो, राशन देना हो, लेकिन उसका असर अब कहीं कम होता नजर आ रहा है। मैं थोड़ा सा एक चीज और जोड़ दूं, देखिए बीजेपी का परंपरागत वोटर पहले जब माना जाता था 2014 तक के चुनाव में, तो ये माना जाता था अर्बन एरिया जो है, जो शहरी एरिया है, जो पढ़े लिखे शिक्षित लोग हैं वो बीजेपी को वोट करते हैं, जो ट्रेडिशनल है ग्रामीण वोटर है वो और पार्टियों को वोट करता है। लेकिन कोरोना काल में ये 5 किलो अनाज और हर घर नल से जल और ये जो आपका आवास योजना है ना, इसको भुनाने की कोशिश अब बीजेपी इन ग्रामीण इलाकों में घुस करके अपने वोट को बढ़ाने की कोशिश कर रही है। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल इन चीजों का असर नहीं पड़ेगा, बिल्कुल आप कोरोना काल में जो अनाज बांटा गया है या जिनको घर मिला है वो बीजेपी के वोटर बनेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। और ये वोट कहीं ना कहीं जो बीजेपी अपना नया वोट बैंक तलाश रही है इन अति पिछड़े लोगों में अनाज बांट करके, इसका असर भी कहीं ना कहीं पड़ेगा। ये हमें तो ऐसा लगता है कि पड़ेगा। जी बिल्कुल, हमारे पास समय की कमी है, हम दोनों धन्यवाद करना चाहेंगे दोनों मेहमानों को, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ डॉक्टर भूपेन्द्र तिवारी जी और मनीष सिंह जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़े थे। और साथ ही साथ आज का चुनाव जो हुआ है, पांचवें चरण का चुनाव, ये काफी अहम था क्योंकि इसमें मुद्दे बहुत सारे थे। अगर बात करी जाए महिला प्रत्याशियों की, तो 693 में से 90 महिला प्रत्याशी भी उतारे गए। किसानों का मुद्दा था, आवारा पशु कानून व्यवस्था, तमाम ऐसे फ्री राशन, राम मंदिर, कई मुद्दे थे जिनको भुनाने की कोशिश करी है। सपा ने भी कई मुद्दे उठाए, बीजेपी ने भी, बसपा और कांग्रेस भी कहीं पीछे नहीं रहे, जमकर प्रचार प्रसार किया और अब मुद्दों को उठाने की पूरी कोशिश करी है। अब कैद हो गई है सभी प्रत्याशियों की, 693 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में। 10 मार्च को पता चलेगा कि पांचवें चरण का जो मतदान हुआ है, प्रत्याशियों ने जितनी मेहनत करी है उसका क्या परिणाम आता है। फिलहाल इस चुनावी चर्चा में इतना ही। तमाम खबरों के लिए, अपडेट के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।